मैं अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या गया था, वहां पे रामलला जी के दर्शन हुए। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैंने रामलला के दर्शन किए, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां से जब बाहर निकला तो मन में एक भाव आया कि हे प्रभु, मुझे ऐसी सामर्थ्य देना कि मैं इस देश के हर व्यक्ति को अयोध्या जी के और रामलला जी के दर्शन करा सकूं। वहां से लौटने के बाद दिल्ली में हमने ऐलान किया कि दिल्ली के नागरिकों को हम फ्री में अयोध्या जी के और रामलला जी के दर्शन कराएंगे। दिल्ली में हमारी एक स्कीम है, योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। इस योजना के तहत दिल्ली के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को हम तीर्थ यात्रा करवाते हैं, फ्री में तीर्थ यात्रा कराते हैं। एक 12 स्थानों की लिस्ट है, उसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, द्वारकाधीश, पुरी जी, रामेश्वरम, इस तरह के 12 स्थान हैं जहां पे हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं। अभी तक 36,000 लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। उनको एसी ट्रेन से ले जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, उनका आना जाना, रहना खाना पीना सब कुछ मुफ्त होता है। तो जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उनके बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा कराई थी, ऐसी हमारी कोशिश है कि हमारे दिल्ली के सारे बुजुर्ग जो हैं उनको हम तीर्थ यात्रा कराएं। तो वहां से अयोध्या जी से लौटने के बाद हमने अयोध्या को भी उन तीर्थ यात्रा की लिस्ट में ऐड किया, और मुझे आज कहते हुए बेहद खुशी है कि दिल्ली से पहली ट्रेन दिल्ली के लोगों को अयोध्या ले जाने के लिए 3 दिसंबर को दिल्ली से पहली ट्रेन चलेगी। वो पूरी ट्रेन अयोध्या दिल्ली के लोगों को पहला जत्था जाएगा जो दिल्ली के लोगों को अयोध्या जी तीर्थ यात्रा दर्शन कराने के लिए ले जाएगा। आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। उत्तराखंड वासियों की भी बहुत इच्छा है कि वो अयोध्या जी के दर्शन करें। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, सबकी इच्छा है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करके आए। बहुत सारे लोग पैसे की कमी के कारण नहीं जा पाते, तो आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे यहां पे भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे, और उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन कराएंगे। आना जाना, रहना खाना पीना सब मुफ्त होगा। एसी ट्रेन से ले जाएंगे, एसी होटल में ठहराएंगे, ताकि सब लोग सहूलियत के साथ, कंफर्ट के अंदर अयोध्या जी के दर्शन करके आ सकें। इसके साथ साथ अपने मुस्लिम भाई भी हैं, उनके लिए अजमेर शरीफ का प्रावधान रखेंगे, और जो अपने सिख भाई हैं उनके लिए करतारपुर साहब का, जो अभी शुरू हुआ है 2 दिन पहले, उसका प्रावधान रखेंगे। उनको वहां पे फ्री में दर्शन करा के आएंगे। तो मैं समझता हूं कि सब लोगों को ये पसंद आएगा। हमारी पहली पार्टी है जो कि जनता के मुद्दों के ऊपर काम करती है। हमारी पहली पार्टी है जो कि आके कहती है कि हमें वोट दो, हम आपका लोक भी सुधारेंगे और परलोक भी सुधारेंगे। इस जीवन में आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, अच्छा पानी देंगे, सड़कें देंगे, रोजगार देंगे, और
आध्यात्म के लिए आपको मुफ्त तीर्थ यात्रा भी कराएंगे। तो एक इंसान के जीवन से जुड़े हुए सभी आयामों को एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम पूरा करना चाहते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो इस पे। केजरीवाल जी, आपने अभी तक कुल 3 घोषणाएं की और जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल रहा है, आखिर उत्तराखंड का जो पूरा रोड मैप है वो कब आएगा? सारा धीरे धीरे करके चुनाव के पहले आपको कंप्लीट रोड मैप देंगे। ये करने का हमारा मकसद है, जैसे मान लीजिए जो दूसरी पार्टियां होती हैं, एक जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, पार्टियों के पहले एक लोग अपने एसी कमरे में बैठ जाते हैं, एक 70-80 पॉइंट का मैनिफेस्टो बना देते हैं, वो जारी कर देते हैं, ना तो जनता को पता है मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। और जब पार्टियों से पूछा जाए चुनाव के बाद कि जी आपने तो कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, तो कहते हैं वो तो चुनावी जुमला था। तो मैनिफेस्टो उनके लिए चुनावी जुमला है, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट लेके आता हूं ताकि वो पॉइंट आप लोगों को सिंक कर जाए, आप याद रखें, और चुनाव के बाद अगर मैं पूरा ना करूं तो आप मेरी गर्दन पकड़ सके कि केजरीवाल जी आप कह के गए थे, हमको याद है अभी तक। सर, आज उत्तराखंड में आपका तीसरा दौरा है, तो आज जो तीसरी गारंटी है वो आपने फ्री यात्रा वाली गारंटी की। हाँ जी बिल्कुल, अयोध्या जी की, अयोध्या जी में रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे। हम भाजपा और कांग्रेस के बीच स्पेस नहीं देखते, हम आपके बीच स्पेस देखते हैं, हम जनता के बीच स्पेस देखते हैं। जिन जिन लोगों को आपको भाजपा और कांग्रेस ने पिछले 20-22 साल में क्या दिया, भ्रष्टाचार के अलावा, देवभूमि का नाम चारों तरफ, वो कहते हैं इनका स्टिंग हमारे पास है, वो कहते हैं इनका स्टिंग हमारे पास है, दोनों एक दूसरे के स्टिंग लेके घूम रहे हैं। अगर दोनों के स्टिंग एक दूसरे के पास है तो वो सजा क्यों नहीं देते? बीजेपी की सरकार है, अगर कांग्रेस का स्टिंग उनके पास है तो कांग्रेसियों को सजा दो। कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी के स्टिंग इनके पास है तो सजा दो। और सबको पता है लूट कौन रहा है, लूट तो आम आदमी रहा है, तो आम आदमी को तो कुछ नहीं मिलता। ये बस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, दोनों उत्तराखंड वासियों को लूट रहे हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी आई है जो कह रही है कि अगर हमें वोट दोगे तो हम आपके स्कूल बनवाएंगे, हमें वोट दोगे तो हम आपके अस्पताल बनवाएंगे। कोई पार्टी, मैं आज आप लोगों को भी चैलेंज करता हूं, इनसे जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओ इनसे पूछ लेना कि भाई केजरीवाल आया था कह रहा था स्कूल बनवाऊंगा, आप भी बनवाओगे क्या स्कूल? कोई पार्टी बता दो पूरे देश के अंदर जो ये कहे कि मैं आपके बच्चों के स्कूल बनवाऊंगा इसलिए मेरे को वोट दो, कोई नहीं कह सकती, क्योंकि उनको स्कूल बनवाने ही नहीं आते, उनकी नीयत ही नहीं है। कोई पार्टी कह दे कि हम आपके अस्पताल बनवाएंगे इसलिए आप हमको वोट दो, नहीं कह सकते, उनको आते ही नहीं, उनकी नीयत ही नहीं है, पूछना उनसे इसमें जाके। और अगर कहें हाँ बनवाएंगे तो बोलना जी कहाँ बनवाए, आपकी तो इतनी राज्यों में सरकारें हैं, 70 साल में इतनी बार मौका मिला, कब बनाए? दिल्ली के अंदर लोगों ने एक मौका दिया था, दिल्ली का हुलिया बदल दिया, दिल्ली के लोग इतने खुश हैं कि उसके बाद उन्होंने दूसरी पार्टियों को कभी मौका नहीं दिया। आज मैं उत्तराखंड वासियों से केवल ये कहना चाहता हूं, एक मौका आप हमें दीजिए, एक मौका, आप सारी पार्टियों को भूल जाएंगे, परमानेंटली भूल जाएंगे। अरविंद जी, एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी को लेकर एक एक करके इनसे फिर आपका पूछ लेते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में ये आम विचारधारा है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, इसीलिए जब हम आपका पोस्टर देखते हैं केजरीवाल की तीसरी गारंटी आम आदमी पार्टी की जगह, और यही दो सवाल जो महत्वपूर्ण उठाए आपके पुराने साथियों ने, जो अक्सर उठाते भी रहते हैं, आप पर प्रकाश करते रहते हैं, योगेंद्र यादव और कुमार साथी, क्या आम आदमी पार्टी में सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, क्या लोकतंत्र नहीं है? देखो दूसरी पार्टियों से तो ज्यादा ही लोकतंत्र है, तो दूसरी पार्टियों की भी फोटो देख लो, और हमारी आम आदमी पार्टी आम आदमी के बारे में है। अभी जैसे मैंने कहा कि हम स्कूल के नाम पे वोट मांगते हैं, हम लोगों के स्कूल बनवाते हैं, हम लोगों के अस्पताल बनवाते हैं, कोई दूसरी पार्टी बनवाती है? किसी दूसरी पार्टी ने कहा हो कि हम आपके बच्चों के स्कूल बनवा देंगे इसलिए वोट दो? तो आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू आम आदमी। हाँ जी भाई साहब, इसकी डिटेल्स भाई अजय कोटियार साहब को बताएं, बिल्कुल बताएंगे जी। मैं भी अरविंद केजरीवाल जी का ही चुनाव आती हूँ, तो अगर मैं अगर बात बोलूंगा वो अरविंद केजरीवाल ही बोल रहे हैं, इसका मतलब ये होगा भाई साहब।
बहुत शॉर्ट में बोलूंगा क्योंकि सर ने और भी जवाब देने होंगे। देवस्थानम बोर्ड चार मेन मंदिरों को असर करता है और उसके साथ में और जो जुड़े हुए मंदिर हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनके चारों के ना भौगोलिक परिस्थिति, वहां पे पूजा कराने के तरीके थोड़ा थोड़ा फर्क है उनमें। अब मैं अगर 100 साल 150 साल पहले जाऊं, जब सड़कें नहीं होती थी, जब पुल नहीं होते थे, जब रास्ते में रहने की जगह नहीं होती थी, तब इन मंदिरों के तीर्थ पुरोहित नीचे आते थे हरिद्वार और हरिद्वार से भी और नीचे प्लेन के इलाके में और अपने जजमानों को अपने साथ एक गाइड की तरह ऊपर लेके जाते थे। बीच में चटियां होती थी, उसमें आग लगाते थे, लकड़ी जलाते थे रात को अपने तीर्थ पुरोहितों को ताकि बचा सके जानवरों के हमले से। जहां पे पुल नहीं होते थे, नदियां होती थी, वहां पे उन्हें पार कराते थे। साथ में ऊपर से अपने गांव से राशन लेके आते थे, बीच में इनको भोजन खिलाते थे। जब मंदिर में जाते थे तो उनके दर्शन कराए, भगवान जी से मिलवाया और उसके बाद कोई दान भी नहीं लेते थे और तीर्थ पुरोहित वापस अपने जजमानों को भेजते थे। शीतकाल के टाइम पे तीर्थ पुरोहित अपने जजमानों के गांव में, शहरों में, इलाकों में जाते थे, उनके घर में रहते थे, वहां उन्हें दान दक्षिणा मिलती थी और एक बड़ा अच्छा माहौल होता था। क्योंकि मैंने केदारनाथ में इन तीर्थ पुरोहितों के घर बनाए आपदा टूटने के बाद, तो इनके पास मौका था, सरकार बनवा रही थी घर, कि घर का डिजाइन इस प्रकार से हो कि तीर्थ पुरोहितों को आसानी रहे। उन्होंने अपनी आसानी छोड़ करके अपने जजमानों के लिए कैसे सुविधा दी जाए उस प्रकार के घर के डिजाइन बनवाए जो कि हमने कंस्ट्रक्ट करा है, मेरे को फिजिकली पता है वो। आज अगर इतनी बड़ी एक तरतीब थी, ये आध्यात्मिक तरतीब थी, धार्मिक तरतीब थी, तो देवस्थानम बोर्ड को अचानक आने की क्यों जरूरत पड़ गई? इससे पहले बीकेटीसी बद्री केदार टेम्पल कमेटी होती थी, एक बोर्ड और बनाने की कोशिश करी थी देवस्थानम बोर्ड से पहले, अचानक उसे स्क्रैप कर दिया, देवस्थानम बोर्ड बन गया। तीर्थ पुरोहितों की यह हालत है कि मतलब खून से, अपने खून से चिट्ठियां लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को, पुराने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनको ऊपर केदारनाथ में घुसने ही नहीं दिया, धाम के अंदर नहीं घुसने दिया। मेरे को लगता है कैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस उत्तराखंड में, यहाँ पे की देवी देवताओं में शिवालय का बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है, अगर केदार बाबा के यहाँ नहीं घुसने दिया तो क्या उनकी कभी हिम्मत होगी किसी मंदिर में जा सके? तो देवस्थानम बोर्ड इतने गलत तरीके से जो बनाया गया, आज पूरे समाज में उसने ना एक अलग ही असर डाल दिया है। हमारी यात्राओं का इन तीर्थ पुरोहितों के पूजा से, इन स्थानों से कहीं ना कहीं कनेक्शन था, हमारी रोजगार बहुत बड़ा समर्पित था इससे, सबका सब रूप रखा है। तीर्थ पुरोहितों को हर बार बोला जा रहा है कि हम देवस्थानम बोर्ड बदली कर रहे हैं, अब फिर उन्होंने एक डेट दे रखी है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन देवस्थानम बोर्ड तो 100% ट्रैप होना चाहिए। आज जैसे भी ट्रांसपेरेंसी का, आज जैसे भी दूसरों को और लीनियंट होने का हमारा तरीका है सरकार का, तो फिर देवस्थानम बोर्ड क्यों जबरदस्ती बना के इन्होंने बर्बाद कर दिया पूरा देश को। दस लाख नौकरियां दी, मैं डेटा दे दूंगा आ जाना। अभी हमने जॉब पोर्टल बनाया था जब कोरोना की बीमारी फैली ना, कोरोना की बीमारी के दौरान दो घटनाएं घटी, एक तो लोग बेरोजगार हो गए, दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, मार्केट बंद हो गए, इंडस्ट्री बंद हो गई, तो लोगों के रोजगार चले गए, और दूसरा जो इंडस्ट्री बंद हुई जब वो खुली तो उनके पास काम करने वाले लोग नहीं थे। हमने एक जॉब पोर्टल बनाया और उस जॉब पोर्टल के जरिए हम लोगों ने इंडस्ट्री को, दुकान वालों को कहा, भाई जिस जिस को आदमी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अपना इसमें एडवर्टाइजमेंट डालो, और हमने कहा जिस जिस को नौकरी चाहिए आप इसमें अपना बायोडाटा डालो। उस एक के जब ये शुरू किया था हम लोगों ने पोर्टल, मेरे को ये लग रहा था कि अगर 2-3 महीने में 25-30 हजार अगर आ गए तो मैं इसको बड़ा सक्सेसफुल मानूंगा। एक महीने के अंदर 10 लाख नौकरियों के उसके अंदर वो आए थे, इंडस्ट्री ने और ट्रेड ने 10 लाख नौकरियों के वो किए थे और मैचिंग लोगों को नौकरियां मिली थी। इसके अलावा भी ढेरों, जैसे हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज किया, आपने सुना होगा,
दिल्ली के अंदर अब अगर आपको कोई भी सरकारी विभाग में काम कराना है तो आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। हमने एक 1076 नंबर जारी किया हुआ है, उस नंबर पे आप फोन करो, आपसे पूछा जाता है कि आपको दिल्ली सरकार से क्या काम है। आप बोलते हो जी मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, तो वो बंदा कहता है जी राशन कार्ड बनवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपके घर कितने बजे आऊं। फिर आप कहते हो जी आप रात को 10 बजे आना, क्योंकि मैं तो देर लेट आता हूं नौकरी से। रात को 10 बजे आपके घर दिल्ली सरकार का कोई व्यक्ति आता है आपका काम करने के लिए, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो, आपके घर आपका राशन कार्ड बना के देके जाता है। किसी सरकारी दफ्तर में दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं। तो ये डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में जितने एजेंट्स नियुक्त किए गए, ढेरों लोगों को उसमें नौकरियां मिली हैं। इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हर मोहल्ला क्लिनिक में कम से कम चार चार लोगों को नौकरियां मिली हैं। तो रावत साहब को बोलिए आओ हमारे दिल्ली, जरा आपको दिखाते हैं कि कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं। देखो जी हमारा तो एक ही मुकाबला है जनता के बीच में, जनता ने तय करना है। मैंने अब जनता के बीच में रख दिया भाई आपके स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, रोजगार देंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, आपको अयोध्या जी के दर्शन कराएंगे। जनता को पसंद आएगा, मौका देगी, हम काम करेंगे, मौका किसी और को देगी तो उनकी जनता की मर्जी। स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है आज, स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है। और केंद्र सरकार ने जो योजना लागू की थी आयुष्मान योजना, आपने वो दिल्ली में लागू नहीं की। अब जब चुनाव आ रहे हैं, आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि 2020-21 से इसको लागू किया जाएगा आयुष्मान। एक मिनट, मैं नहीं समझता उन्होंने कहा होगा आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं हो रही है। एक मिनट मैं बताता, आप में से कितने लोगों के पास आयुष्मान का कार्ड है? हमारे पास है। कितने कितनी बार इलाज करा लिया? नहीं, का किराया हमने। कितने पैसे मिले? पैसे नहीं है तो कैशलेस योजना है। कौन क्या इलाज कराया? मैं आपको ये वो बता दूं, आयुष्मान योजना एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इस वक्त मेरा मकसद दूसरों की बुराई करना नहीं है, दूसरों की कमियां निकालना नहीं है, मेरा मकसद है एक पॉजिटिव एजेंडा शुरू करना। आयुष्मान योजना के तहत एक आप सर्वे करा लीजिए, एक आप रिपोर्ट जारी, उत्तराखंड के अंदर आयुष्मान योजना में कितने लोगों ने इलाज कराया आप एक सर्वे करा लीजिए, नंबर एक। दिल्ली के अंदर हमने आयुष्मान योजना तो ये कहती है भाई जिसके पास कार्ड होगा 5 लाख रुपए तक का उसका कोई फलानी फलानी बीमारी का इलाज। दिल्ली के अंदर हमने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए सारी बीमारियों का सारा इलाज मुफ्त कर रखा है। आपका अगर किसी बीमारी में 60-70 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, दिल्ली सरकार मुफ्त इलाज करती है, तो फिर आपको आयुष्मान की क्या जरूरत है? 5 लाख और 60 हजार कह रहा हूं मैं। हाँ, आपका 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ जितना भी खर्चा आएगा फ्री इलाज करती है दिल्ली सरकार। अपने सारे सरकारी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिक में, जितनी भी मुश्किल महंगी से महंगी दवाइयां, महंगी से महंगे इंजेक्शन, सर्जरी, कैंसर, बड़ी बड़ी बीमार, सारा इलाज मुफ्त है। बात करेंगे जी, केंद्र सरकार में मौका दीजिए, उसको करना है, हम आपको राइट टू रिजेक्ट करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल एक छोटा सा आदमी है, आपकी तरह आदमी है, जैसे आप सब लोग चाहते हैं कि देश सुधरे, हालात सुधरे, अरविंद केजरीवाल भी चाहता है कि देश सुधरे, हालात सुधरे। बहुत बहुत शुक्रिया।